शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर, आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। सैदपुर थाना क्षेत्र से 8 अक्टूबर 2018 की रात को गायब ओला टैक्सी कार को बरामद करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। आपको बताते चले कि 8 अक्टूबर की रात रेलवे स्टेशन कैंट वाराणसी से आशीर्वाद सिंह पुत्र वीरेंद्र प्रताप सिंह ग्राम गौरा ऊपरवार चौबेपुर गाजीपुर की ओला टैक्सी कार को 14 रुपए प्रति किलोमीटर किराए पर दो व्यक्तियों द्वारा तय किया गया था। रास्ते में उन लोगों द्वारा आशीर्वाद सिंह तथा उसके भाई अंकित कुमार सिंह को गाड़ी में रखा कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए दिया गया, जिसे उन्होंने बाहर फेंक दिया। आगे जाने पर उन लोगों द्वारा पीने के लिए चाय दिया गया, जिसे शक होने पर दोनों भाइयों ने फेंक दिया। जब गाड़ी लेकर सिधौना पहुंचे तो कार चालक और उसके भाई को नशीला चाय पिलाया गया एवं दोनों सवारियों ने गाड़ी से ही शराब पिलाया। शराब पीने के बाद वे लोग गाड़ी लेकर सैदपुर भीमापुर रोड पर निर्माणाधीन पेट्रोल पंप से गाड़ी मोड़कर बाई तरफ गांव में संजय पांडे पुत्र रामजी पांडे निवासी विक्रमपुर पंडितान सैदपुर के घर चले गए तथा ड्राइवर तथा उसके भाई को नशीला चाय पिलाया। उसके बाद संजय पांडे को साथ लेकर गाड़ी के जगदीशपुर पेट्रोल पंप के सामने खड़ी कर दिए। उसके बाद चालक और उसके भाई को गाड़ी से उतार कर लोग गाड़ी लेकर भाग गए, जिसकी सूचना आशीर्वाद सिंह ने पुलिस को दी। इस सूचना पर सैदपुर पुलिस उनकी निशानदेही पर संजय पांडे के घर जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बनारस रेलवे स्टेशन कैंट से राहुल यादव और हरिकेश यादव नाम के अभियुक्त ओला कैब को हायर करते हैं। हायर करके वो चौबेपुर पहुंचते हैं, वहाँ जो है ड्राइवर को कुछ पिलाने का प्रयास करते हैं, चाय भी वो नहीं पीता है। इसके बाद सिधौना चौकी पे उन्होंने पिलाने का प्रयास किया, वो नहीं पिया। फिर विक्रमपुर में जा करके संजय पांडे के यहाँ भी चाय पिलाने का उन्होंने प्रयास किया है, और इसके बाद ले जाकर भीमा पार के पास ड्राइवर को गाड़ी से बाहर फेंक कर वो गाड़ी लेकर के फरार हो जाते हैं। जैसे ही सूचना मिली सैदपुर पुलिस जो है एक्टिव हुई और उसने संजय पांडे का तस्दीक कर लिया, संजय पांडे को पकड़ा। संजय पांडे की निशानदेही पर करंजी हरिहर से मतलब हुरपुड़ा से ये गाड़ी बरामद हुई है, और दोनों अभियुक्त राहुल यादव और हरिकेश यादव वहाँ गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। अब ये हमारे वांछित अभियुक्त हैं, इनको पकड़ा जाएगा और योजना गहराई से।